बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। 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 पकड़ लो। क्या हुआ गोमा जी काका? राजे ये लाल महल में बिना अनुमति घुस आए हैं। हम आपसे भेंट करना चाहते थे राजे। आप मधु लेकर आए हैं आपके लिए। काका छोड़ दीजिए। हे क्या राजे? बहुत स्वादिष्ट। क्या तुम यहां केवल हमें शहद भेंट देने आए थे? नहीं राजे, हम अमरठ गांव से आए और आपकी सेना में सम्मिलित होना चाहते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? तानाजी मालू सरे। हमारी सेना को भी तुम जैसे तेज बुद्धि और फुर्तीले युवक की आवश्यकता है। स्वागत कीजिए इनका। ये है हमारी सेना के नए योद्धा तानाजी मालू सरे। आयुष्मान भव। हाँ साहेब, क्या अब भी आप यही समझते हैं कि हमारे साथियों में इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं शिवबा, अब हमें विश्वास हो गया है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। मित्रों, आपने देखा, हमने एक साथ मिलकर प्रयास किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। बस यही हट, यही भावना और यही इच्छा शक्ति हमारे स्वराज का सपना साकार करेगी और स्वराज की दिशा में हमारा पहला लक्ष्य है शिवाजी। राजे ने आपको रायरेश्वर मंदिर पे बुलाया है। भीमा जी, हमें शिवाजी राजे ने भेजा है, आपको रायरेश्वर मंदिर पे बुलाया है। 12 मावल के हम सब भाई करेंगे स्थापित मराठा शाही, उखाड़ फेंकेंगे आदिलशाही। ये हमारा वचन है मां साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए।
विजयी भव। मातोश्री, आपने राजे को जाने दिया? सुनो बहन, क्या आपने शिवबा का जोश और उत्साह नहीं देखा? उनके साथियों का साहस देखकर गर्व महसूस होता है। वर्षों से हम यही सपना देख रहे थे, आज उस सपने का पहला पड़ाव दिखाई दे रहा है। मातोश्री, आप तो जानती होंगी कि कोरोना पर नजर डालने का परिणाम कितना भयानक। सोनो पंत, हम आपके डर का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। स्पष्ट कहिए, आप कहना क्या चाहते? मातोश्री, कोरोना के किले पर अधिकार करने का प्रयास आत्महत्या जैसे, और फिर राजे का ऐसा करने से महाराज साहब पर। सोनो पंत, हम आपके विचार से सहमत हैं, परंतु स्वराज के मार्ग में महाराज साहब तो क्या? अगर शिवबा भी अपनी जान न्यौछावर करते तो हमें अपने पति और पुत्र दोनों पर गर्व होगा। बेगम हुजूर, खाकसार की जानीब से पुणे का नायाब तोहफा आपकी नजर है, बराए करम कबूल फरमाइए। नायाब तोहफा, हमने तो सोचा था कि आप शिवाजी का सर कलम करके हमें बतौर तोहफा पेश करेंगे। यकीनन बेगम हुजूर, दरअसल किलेदार हुजूर आपके लिए शिवाजी का सिर ही पेश करने वाले थे, लेकिन हम इनायत खान से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको आपके शौहर ने तहसीब भी नहीं सिखाई? मुस्ताकी मुआफ बेगम हुजूर, ये मोहतरमा इनायत खान की बेगम नहीं है, ये उनकी। अच्छा अच्छा, तो यूं है। अब समझ में आया कि तोरना का किलेदार आदिलशाही हुकुम की तामील में इतना वक्त क्यों लगाता है, क्योंकि उसे एक रकासा की घूंघरुओं को चूमने से फुर्सती नहीं मिलती। माफ कीजिएगा बेगम हुजूर, गौहर जान पेशे से रकासा जरूर है, मगर ये नाचीज उनकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उनकी अकलमंदी से मुतासर है। खुदा झूठ ना बुलवाए, हमारी पूरी तवज्जो शिवाजी की बर्बादी पर है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। इनायत खान, लिबास फट जाए तो रफू सुई से होता है, उंगलियों से नहीं। आप अपनी बातों से हमें बहलाने की कोशिश ना करें, हमें सिर्फ शिवाजी की मौत चाहिए, वो भी फौरन। बेशक बेगम हुजूर, बहुत जल्द शिवाजी का कटा हुआ सर आपके कदमों में होगा। हमारा एक जाबाज भेड़ियों की तरह शिवाजी की तलाश में है। अच्छा अच्छा, तो तुम उस दगाबाज की बात कर रहे हो जिसको शिवाजी ने अपना बनाकर तुम्हारे ही खिलाफ सिर उठाना सिखा दिया है? या मेरे अल्लाह, नूर खान की हकीकत का बेगम हुजूर को कैसे इल्म हो गया? क्यों, हैरान हो गए इनायत खान? ये मत भूलो
कि सयादरी भी हमारी ही सल्तनत का एक हिस्सा है और हमारी नजरें सल्तनत के जर्रे जर्रे पर है। बेगम हुजूर, भला शिवाजी की औकात कि वो आदिल शाही निजाम के खिलाफ बगावत करने का ख्वाब देखे? इनायत खान, हम यहाँ शिवाजी के बाबत आपका मशवरा सुनने नहीं आए हैं। आपके जिम्मे जो काम दिया गया है वो आप कीजिए। छोटे मोटे मोहरों को भेजकर देख लिया ना आपने, क्या हशर हुआ उनका? बहुत भरोसा था ना आपको अपने उस नूर खान पर? माफी चाहूंगी बेगम हुजूर, शिवाजी के खात्मे के लिए इनायत खान तन्हा काफी है। अगर आपका हुक्म हो तो ये अकेले ही लाल महल की हर दीवार शिवाजी के खून से लाल कर देंगे और शिवाजी का सिर आपके कदमों में रख देंगे। तो फिर देर किस बात की है इनायत खान? गुस्ताखी माफ बेगम हुजूर, लेकिन आपने एक पहलू पर गौर नहीं किया। कैसा पहलू? बेगम हुजूर, शिवाजी के खून के छींटे कहीं बादशाह हुजूर के रुसवाई का सबब न बन जाए, इसीलिए किलेदार हुजूर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। माशाल्लाह, हमने ऐसी रकासा कभी नहीं देखी जो रक्स सिर्फ अपने कदमों से ही नहीं करती बल्कि जुबान भी ठुमके लगाती है। इनायत खान, आप इनके घुंघरुओं की बोसे लेते रहें, ये काम आप बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर इनायत खान ने गुस्से में आकर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तो गौहर जान तुम्हारे हाथ पुणे की जागीर नहीं लग सकेगी, जिसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं सहा। बावलवासियों, हमारे वीर साथियों, हम सब क्यों आए हैं यहां? कौन लेकर आया है आपको? शिवाजी या आपके अंदर की घुटन तड़प? या हमारी मां बहनों की चीखें? उनकी पीड़ा, उनके आंसू या 400 साल से झेल रहे दास्ता का बोझ? मित्रों, यही वेदना, यही पीड़ा भगवान भोलेनाथ को अपनी तीसरी आंख खोलने पर विवश कर देती है। लेकिन शंभू महादेव हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या इतना बड़ा बीड़ा उठाने की शक्ति है हमारी छाती में? नहीं, हमने पलट कर देखा और सोचा कि आप सबकी छाती किसकी है? हमारी है। आप सबका बाहुबल किसका है? हमारा है। जीवा माला की चीते जैसी लंबी छलांग किसकी है? का
तानाजी बालूसरे की पलक झपकते ही चट्टानों पर चढ़ जाने की क्षमता किसकी है? बालाजी, येसा जी और भीमा जी की निष्ठा किसकी? इस समय हमारे सामने हमारे हजारों वीर साथियों की भुजाओं में जो बल है वो किसका है? ये सब हमारा है। साथियों, समय पुकार रहा है, हम सब मिलकर शत्रुओं की छाती को रौंद डालेंगे। हरि ओम महादेव, हरि ओम महादेव। राष्ट्र वीरों की धरती, वीर मराठा महा अवतार, मौत भी जिससे डर के भागे ऐसी गूंजी है हुंकार। प्रबल भावना मन ने ठानी कि स्वराज की सिंह दहाड़, ऐसा गर्जा शेर मराठा कटकट गिरने लगे पहाड़। जन्मभूमि के अत्याचारी लगे कांपने सुनकर ना, तख्त हिल गए दिल्ली के भी जब देखी मराठा शान। शिवाजी जय भवानी जीजा माता का, भी सपूत महान मराठा, अदरनी से शत्रु का नाता, भी शिवाजी की ये गाथा, भी शिवाजी की ये गाथा, भी शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं शिवाजी राजे भोसले, मैं तानाजी मालुसरे, मैं भीमजी वाघ, मैं येसाजी कंग, मैं जीवा माला, मैं बालाजी मुद्गल देशपांडे, मैं दादाजी नरस प्रभु, मैं बाजी कृष्णाजी बांदल, शपथ लेते हैं कि स्वराज की स्थापना करेंगे, ऐसा स्वराज जहां प्रत्येक प्रजाजन सुख चैन से निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत करेगा, जहां हमारी मां बहनें स्वतंत्रता की हवा में बिना किसी के डर के घूम फिर सके, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, 400 साल की गुलामी के अंधकार को नष्ट करने वाला स्वराज का सुनहरा सूरज उदित होगा। अंत होगा आतंक, दुख, दर्द और जुल्म के शासन। होगा केवल सुख शांति और समृद्धि भरा जीवन, स्वराज ईश्वर की इच्छा जिसे हम पूरा करें, और स्वराज के मार्ग में बढ़ने के लिए हमारा पहला लक्ष्य होगा तोड़ना किला, जिसे प्राप्त करने के लिए यदि हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बेगम हुजूर, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 रोज के अंदर अंदर शिवाजी का कटा हुआ सर आपके कदमों में होगा। आज से ठीक 20 दिन बाद यानी कि दशहरे के दिन हम तोड़ना किले में बैठे इनायत खान जैसे रावण का वध करके तोड़ना देवी के मंदिर में नवरात्र पूजा करने का।